The smallest positive value of x for which 10x plus 100 equals to 10x plus 50, 10x, 10x minus 50 is. तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे इसको 10x minus 50 को left side ले जाएंगे, तो क्या जाएगा वो 10 of x plus 100 upon 10 of x minus 50 equals to 10 of x plus 50 into 10x. Convert these into sin x cos x, तो ये क्या जाएगा sin of x plus 100 और नीचे का cos ऊपर आ जाएगा cos x minus 50 upon sin x minus 50 cos x plus 100 equals to sin x plus 50 sin x upon cos x plus 50 cos x. अब इसमें यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपन कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस 100 कॉस x माइनस 50 प्लस साइन x माइनस 50 कॉस x प्लस 100 अपॉन साइन of x plus 100 cos x minus 50 minus sin x minus 50 cos x plus 100 equals to, इस तरह भी यही करेंगे, तो क्या आएगा sin x plus 50 sin x plus cos x plus 50 cos x upon sin x plus 50 sin x minus cos x plus 50 cos x. ठीक है, ये लिखा हुआ है sin a cos b plus cos a sin b. ठीक है, तो ये क्या जाएगा sin of a plus b, तो x plus 100 प्लस एक्स माइनस 50 अपॉन नीचे का साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 100 माइनस एक्स प्लस 50 इक्वल्स टू, इस तरह भी ये साइन ए प्लस कॉस बी लिखा हुआ है, तो यह हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस 50 प्लस एक्स अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, तो यह हो जाएगा माइनस कॉस x plus 50 plus x. ठीक है, और सॉरी ऊपर लिखा हुआ है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, वो क्या होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी, सॉरी कॉस, हाँ वो होता है कॉस ऑफ x प्लस 50 माइनस एक्स और ये होता है प्लस x. ठीक है, तो ये क्या आ गया, ऊपर क्या होता है अपने पास साइन 2x plus 50, नीचे ये 100 है sin 150 equals to cos 50 upon minus cos 2x plus 50, तो ये उस तरफ चला गया, क्या आ गया ये sin 2x plus 50 minus cos 2x plus 50 equals to sin 150 को मैं लिख सकता हूँ cos 90 plus theta, इसको लिख सकता हूँ sin 150 को मैं लिख सकता हूँ एक हो जाएगा sin of 90 plus 60 which is equals to cos 60, cos 60 के लिए होती है half. ठीक है, तो ये क्या हो गया cos 60 into cos 50, इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 4x प्लस 50 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 बाय 2 cos 50 कैंसिल,
तो साइन ऑफ 4x प्लस 50 को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस 50। कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस माइनस, इसको लिख सकता हूँ कॉस ऑफ पाई प्लस 50 डिग्री। सॉरी यहाँ साइन है तो इसको तरफ, अपन को इस तरफ साइन बनाने के लिए इसको क्या लिखना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 90 माइनस थीटा, क्या हो गया माइनस साइन 40। तो साइन ऑफ 4x प्लस 50, अब साइन माइनस थीटा का होता है साइन माइनस 40, साइन 4x प्लस 50। ठीक है, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस 40 है तो इसको अपन प्लस में करने की कोशिश करेंगे, तो क्या आएगा साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन माइनस साइन 40 को अपन लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा, तो 180 प्लस 40, और इसी को अपन लिख सकते हैं साइन 2 पाई माइनस थीटा। साइन माइनस 40 को लिख सकता हूँ मैं साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस 40। दिस इम्प्लाइज एक बार 4x प्लस 50 किसके बराबर हो गया, 180 प्लस 40 इज 220, एंड एक बार 4x प्लस 50 किसके बराबर हो गया, 2 पाई इज 360, 360 माइनस 40 इज 320। ठीक है, तो ये आएगा 4x इक्वल्स टू 170 एंड 4x इक्वल्स टू 270, तो x क्या आ गया, कैंसिल किया था इससे 4, ये आएगा 4, 42.5, एंड यहां से x आएगा। अपन ने यहां थोड़ी मिस्टेक कर दी है, ये जब साइन 2 साइन थीटा हुआ था तो अंदर का एंगल पूरा डबल होगा ना, तो यहाँ पे 4x प्लस 50 की जगह आएगा 100 आएगा, यहाँ पर नहीं मिस्टेक कर दिए। यहाँ पे अपन ने सब जगह एक मिस्टेक कर दिए, इसलिए अपना आंसर गलत आ रहा है, यहाँ आएगा 100। तो ये रहा 100, 100, 100, 100, 100, तो ये बचा 120 और ये बचा 220, ये कितना आ गया 30 डिग्री और ये कितना आएगा 45 डिग्री, तो ये दोनों एंगल आ सकते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पे चेक करेंगे अगर अपन, तो यहाँ पूछा था स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स इन डिग्रीज फॉर विच दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस इज, यहाँ पे 30 डिग्री और 45 डिग्री, स्मॉलेस्ट कौन सा है 30 डिग्री, सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट चॉइस।